हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए RSMSSB की तरफ से। इसमें जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों कैंडिडेट के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट आई हुई है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट क्या है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर डिप्लोमा से संबंधित सभी प्रकार के जॉब न्यूज़ हमेशा अपडेटेड रहता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो नोटिस आया था उसको हमने डाउनलोड कर लिया है। साथ ही यहाँ पर डेट देख सकते हैं आप, 17 तारीख को ये नोटिस जारी हुआ था, लेकिन अभी एग्ज़ाम अप्लाई करने का डेट जो है अभी इसका काफ़ी दिन है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो नोटिस है, कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती हेतु, तो जो ये जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट यहाँ पर आई हुई है। अब देख लेते हैं किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट की बात करें, सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल, मतलब कि जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, जहाँ पर डिग्री धारक मतलब कि बीटेक के लिए वैकेंसी है। और देख सकते हैं यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 390 है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 32 कुल पद 422 कुल वैकेंसीज हैं। साथ ही यहाँ पर जो डिग्री धारक यहाँ पर जो लिखा है वो बीटेक वालों के लिए है, और जहाँ पर डिप्लोमा धारक लिखा है वो डिप्लोमा वालों के लिए है। तो कनिष्ठ अभियंता देखिए सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसीज है, यहाँ पर 3 वर्षीय डिप्लोमा इसमें मांगा गया है, और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 61 वैकेंसीज है, अनुसूचित क्षेत्र में 5, टोटल इसमें 66 वैकेंसी है। अगला डिपार्टमेंट है आपका देखिए, इसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, इसमें कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक, इसमें भी बीटेक मांगा गया है जूनियर इंजीनियर के लिए, और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 196, और यहाँ पर अनुसूचित के लिए 8 वैकेंसी है, कुल पद 204 है। तो इसी प्रकार से सिविल इंजीनियर के लिए भी, और डिप्लोमा वाले भी इसमें एलिजिबल हैं और बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में देखिए कौन सा डिपार्टमेंट, स्वायत्त शासन विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक, यहाँ भी सिविल, इसमें देखिए सिविल की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं, तो सिविल के जितने भी स्टूडेंट हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए गैर अनुसूचित क्षेत्र में 143 वैकेंसी है, अनुसूचित क्षेत्र में 2 वैकेंसी है, और कुल पद 145 है। तो अगर बात करें हम इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इलेक्ट्रिकल का भी दिया हुआ है, बीटेक वाले भी इलेक्ट्रिकल में एलिजिबल हैं और डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। तो देखिए अगर बीटेक वालों की बात करें तो इसमें 44 वैकेंसी है, और टोटल कुल 44 वैकेंसी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, और 3 वर्षीय डिप्लोमा में देखिए यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा धारक, तो डिप्लोमा वालों के लिए 11 वैकेंसी है और टोटल पूरे 11 वैकेंसी है। तो कुल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर टोटल 1092 वैकेंसी है, जो कि काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल से चाहे मैकेनिकल से चाहे सिविल से किसी भी ब्रांच से हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। तो इसमें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें, क्योंकि ये वैकेंसी जो है इस राजस्थान की है, तो आप लोगों का यही सवाल होगा कि इसमें जो कैंडिडेट राजस्थान से नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें इसमें जो भी कैंडिडेट राजस्थान से नहीं है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या करना होगा, उन्हें जनरल मतलब सामान्य वर्ग में फाइट करना होगा। आपको मतलब कि आपको इसमें सामान्य वर्ग में फाइट करना होगा, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और साथ ही आप कहीं के रहने वाले मतलब ऑल इंडिया कैंडिडेट इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उन्हें ओबीसी एससी एसटी का कोटा जो है नहीं मिलेगा, यानी कि जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा। अब इसकी बात करें हम सैलरी की, तो इसमें सैलरी जो है आपको 33,800 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा, और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको बता ही चुके हैं। जो डिग्री लिखा है जहां पर वो बीटेक वालों के लिए है, 3 वर्षीय बीटेक, वो 4 वर्षीय बीटेक, और जो डिप्लोमा है वो 3 वर्षीय डिप्लोमा इसमें मांगा गया है। और देखिए इसमें अगर एज लिमिट की बात करें, तो जो एज लिमिट है आपका 18 से 40 वर्ष आपका इसमें एज लिमिट रखा गया है, मतलब कि 1 जनवरी 2023 को अगर आपका एज 18 वर्ष पूर्ण होता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो एज में रिलैक्सेंस मतलब कि छूट दिया जाता है, वो अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं तभी आपको एज में छूट दिया जाएगा, बाकी अलग जगह के कैंडिडेट को एज में छूट नहीं दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके ऑनलाइन आवेदन का जो प्रक्रिया है वो 21 फरवरी से ये ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट होगा, और ये 21 जनवरी से स्टार्ट होगा। 21 जनवरी से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 19 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिन है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कल से ही अप्लाई इसका स्टार्ट हो गया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर फॉर्म फीस की बात करें, तो एग्ज़ाम का फीस जो है जनरल कैटेगरी के लिए इसमें 450 रुपये रखा गया है, और जो ओबीसी हैं एससी एसटी हैं उन कैटेगरी के लिए 250 रुपये
ऑनलाइन फीस जो एग्ज़ाम का फीस है आपका वो रखा गया है। और इसमें आपको बता दें जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपको देखिए इसमें आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और आपको 40% जो है क्वेश्चन 40% जो है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क जो है वो 40% है। साथ ही इसमें आपको बता दें कोई नेगेटिव नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। और जो टेक्निकल से है, मतलब कि जिस ब्रांच से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, सिविल से, तो टेक्निकल से 80 क्वेश्चन आते हैं और राजस्थान जीके करके 40 क्वेश्चन आता है। इसके सिलेबस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके इसमें पूछा क्या जाता है। और इसका एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें एग्ज़ाम का डेट नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम जो है मई में होगा, मई में आपका एग्ज़ाम जो है हो सकता है। तो अगर आप अभी इसके फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें देखिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 80 टेक्निकल के और राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन होते हैं। तो एक अपडेट था आप लोगों के लिए जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट के बारे में। तो अगर आप इसी प्रकार के डिप्लोमा संबंधित सभी प्रकार के अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जितने भी डिप्लोमा संबंधित जॉब की न्यूज़ आती है हम वहाँ पर अपडेट करते रहते हैं। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।